श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं बालकाण्डं त्रिषष्टितमः सर्गः पुष्करे तपस्यते विश्वामित्राय ब्रह्मागत्य ऋषित्वमदात् तत्रैवागत मेनकादर्शनक्षुब्धमना गाधेयस्तया वत्सरदशकं सुखं विजहारान्ते च तत्कृतपश्चात्तापः पुनस्तप्तुं हिमवन्तमगात् तत्राप्यागत्य ब्रह्मा तस्मै महर्षित्वमदात् अताप्यपरितुष्टमनाः स पुनस्तपस्तेपे पूर्णे वर्षसहस्रे तु व्रतस्नातं महामुनिम् सुराः सर्वे तपःफलचिकीशवः अब्रवीत सुमहते तेज ब्रह्म सुचिव वचह ऋषिस्व मसी बद्रंट कर्म भी शुभे शुभ तमेव मुक्त त्रिदिव पुनरभ्यगा विश्वामित्रो महातेज भूयस्ते पे महत तत काल महता मेनका परमापसरा पुष्क शुनर श्रेष्ठ स्ना समुचक्र ददश महातेज शेज मेनकाशिकाजह रूपेण प्रतिमा त्र विद्युत जलदेयथ कंदर्प दर्प मुनिस्य मुनिस्तामिदमब्रवीत् अप्सरस्वागतं स्वागतं तेस्तु वसचेह ममाश्रमे अनुगृहीष्वभद्रं ते मदनेन विमोहितम् इत्युक्त्वा सावारोहा तत्र वासम् अथकरोत् अपसो हि महाविघ्नो विश्वामित्रमुपागमन् तस्या वसन्त्यां वर्षाणि पञ्च पञ्च च राघव विश्वामित्राश्रमे सौम्ये सुखेन व्यति चक्रमुहु अथ काले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनिः सव्रीढैव संवृद्धाश् चिंताशोक शोक परायणः बुद्धिर्मेने समुत्पन्ना सामर्ष रघुनन्दन सर्वं सुराणां कर्मैतत्तपोपहरणमहत् अहोरात्रापदेशेन गता संवत्सरा दश कामोहा विघ्नों प्रत्युपस्थित स निश निश्वस मुनिवर पश्चातापेन दुखिता भीतासम दृष्टा वेपंतींजलि स्थिता मेनका मधुरवाक्यसृज्य कुशिकाजह उत्तर पर्वत राम विश्वाम जगाम सक बुद्धि जेतुकामो महायशा कौशिकी कौशिकी तीरमासध्य आसाद्य तपस्ते पे दुरासदम कौशिकी तीर तीर तपस्ते पे दुरासद तस् वर्ष सहस्राणी घोरंत उत्तरे पर्वते राम देवताय आमंत्रन समागम्य सर्वे सर्गणा महर्षि शब्द लाधव कुशिकात्मज देंता वच श्रुवा सर्वोक पिता आब्रवी मधुरम वाक्य विश्वाम तपोधन महर्षे स्वागत वत्स तपसोग्नेन तोषि मह मुख्य दधा तव कौशिक ब्रह्म नुव चुवा विश्वाम स्थपोधन प्राजलिप्रणतो भूत प्रत्युवाच पिताम प्रत्युवाच तथो वाच विश्वामुनि ब्रह्मश्री शब्द स्वाजितेह्कर्म विश्वभाई ही यदि मे भगवान न है ततो विजितेन्द्रिय तमुवाच ततो ब्रह्मा न तातावत्त्वम विजितेन्द्रिय हैं यतः स्वमुनिशार दूलाय गतः विप्रस्तितेशुवे देवेशु विश्वामित्रो महामुनि ऊर्धबाहुर्निरालंभो वायुभक्षस्तपश्चरन् धर्मे पंचतपा भूत्वा वर्षास्वाकाश संश्रयः शिशिरे सलिले शायी रात्यहानी तपोधनः एवं वर्षसहस्रम् ही तपोघोरमुपागमत्

श्री मद रामायने वाल्मीकिए आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रिशष्टितमः सर्गः